इंडिया वर्सेस भारत को लेकर राजनीति गर्मा गई है। G20 के डिनर में राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर बवाल मच चुका है। इस पर अब शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ये कहा कि किसी को भी देश का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 6 सितंबर को बुलाई गई बैठक में उन सभी पार्टियों के प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होगी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। 2024 के चुनाव में एनडीए के मुकाबले के लिए बनी इस गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हैं। शरद पवार ने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि सत्तारूढ़ दल देश से जुड़े एक नाम को लेकर इतनी परेशान क्यों है। शरद पवार से जब ये पूछा गया कि क्या संविधान में भारत का नाम बदला जाएगा और इसी सवाल के जवाब में शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर विचार विमर्श होगा, लेकिन देश का नाम बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी देश का नाम नहीं बदल सकता।